हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ कुछ हेल्थ टिप्स। साथ ही हम बात करते हैं बीमारियों के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली होम्योपैथिक दवाइयां कैसे आप लोगों को मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या जो सर्दी जुकाम होता है या हमारे बॉडी में पैथोजन का इफेक्ट होता है, उससे हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं एयरबॉर्न इन्फेक्शन को। तो दोस्तों, बचाव इलाज से बेहतर है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहे। मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, इसके लिए जरूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या एयरबॉर्न इन्फेक्शन से हम कैसे अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का क्या मतलब है। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि अगर एक इंसान इन्फेक्टेड है और वो छींक रहा है, तो जब वो छींक रहा है तो उसके छींक के थ्रू जो पैथोजन है या डिजीज कॉजिंग एजेंट है वो एनवायरनमेंट में आ रहा है। और एक हेल्दी इंसान जब इस पैथोजन के कॉन्टैक्ट में आएगा तब इस हेल्दी इंसान को भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हेल्दी इंसान को प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक, उसको इफेक्ट हो सकता है और दूसरे कंडीशन में इफेक्ट नहीं हो सकता। तो इफेक्ट क्यों नहीं हो सकता? अगर जो हेल्दी इंसान है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और वो अपने इम्यून सिस्टम के थ्रू ही पैथोजन को फाइट बैक कर दे तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है तो फिर उसको इफेक्ट हो जाएगा। अब ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, जो आज का टॉपिक है, तो इस बारे में अब हम समझते हैं। तो दोस्तों, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से कैसे बचाव कर सकते हैं कि आप उसके संपर्क में ही नहीं आए। तो आप कैसे, क्या आप कर सकते हैं कि आप उसके संपर्क में नहीं आए? सबसे पहली चीज ये है कि अगर आपको कहीं पर लगता है कि कहीं की कोई बीमार है या वो छींक रहा है या वो सिक है, उसके आप बिल्कुल नजदीक नहीं जाए। अब कितना नजदीक नहीं जाए, कम से कम 0.5 मीटर टू 2 मीटर तक आप उसके नजदीक नहीं जाए, यानी लगभग आधे मीटर से 2 मीटर तक का जो डायमीटर है वहां तक आपको उसके नजदीक नहीं जाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे बचाव हो। दूसरी चीज ये है कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आपके पास एक स्पेयर मास्क है तो जिन इंसान को जो छींक रहा है या जो बीमार है और अगर उसने मास्क नहीं लगा रखा तो आप उसको भी एक मास्क दे सकते हैं ताकि बाकी लोग इन्फेक्ट नहीं हो। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, हाथों को अच्छे से धोना है। हाथों को हमेशा प्रॉपरली धोए, सामने हथेलियां, बैक जो इन बिटवीन द फिंगर्स जो हमारी उंगलियों के बीच के फोल्ड्स हैं इनमें, और नेल्स के नीचे, तो इन चारों जगह पे हाथों को आपको अच्छे से धोना है, आगे पीछे इन बिटवीन द फिंगर्स एंड नेल्स के अंदर। तो अच्छे से हाथों को धोए, और ज्यादा टाइम नहीं लगता, 20 से 25 सेकेंड लगता है अगर आप हाथों को अच्छे से मसल कर धोते हैं तो। हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, क्या होता है, ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अब आप 2 मीटर के दायरे में नहीं आए, ठीक है, आपको वो इन्फेक्शन नहीं हुआ, पर जो इंसान छींक रहा है, मान लीजिए उसने मास्क नहीं लगा रखा, छींक रहा है, उसने हाथ लगा के छींका, फिर वही हाथ जहां जहां पकड़ा वहां से भी ये जो पैथोजन है, ये वायरस है, ये ट्रांसमिट हो सकता है। जैसे दरवाजे के हैंडल से ये हो सकता है, मेट्रो में सफर कर रहे हैं, मेट्रो का जो हैंडल है उससे हो सकता है, अगर ऑफिस में है तो लिफ्ट के बटन से हो सकता है, ऑफिस में माउस पकड़ा, माउस से हो सकता है, तो जो जो चीज पकड़ा, सीढ़ियों से उतरे, जो सीढ़ियों का रेलिंग है उससे हो सकता है। तो वो एक पोटेंशियल प्लेस है जहां से कि आपका जो इन्फेक्शन है वो एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान में जा सकता है। अब आपको क्या करना है, कोशिश करें कि आप कभी भी हाथों को बिना धोए अपने मुंह पे, अपने नोज पे और अपने आंखों को टच नहीं करें, क्योंकि यहां से वायरस आपके बॉडी में एंटर हो सकता है। तो सबसे पहली चीज, हाथों को अच्छे से धोना है, और अगर हाथ आपके धुले नहीं है तो कभी भी गंदे हाथों से आंखों को मसलना या नोज पोक करना या आपको अपने माउथ में हाथ नहीं लगाना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
और आप क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ आप कोशिश कर सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड जगह है वहाँ पे नहीं जाएं, क्योंकि ओवर क्राउडेड जगह में भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है एक इंसान इन्फेक्टेड हो बट उसमें कोई सिम्टम्स नहीं हो, तो उसको कोई सिम्टम नहीं है, छींके नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट आपको पता नहीं है कि वो इंसान एक्चुअली में इन्फेक्टेड है या नहीं है। तो इसीलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड जगह पे आप जाना अवॉइड कर सकते हैं। और आपको क्या करना है कि अगर आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रही है और दिक्कत हो रही है, तो आपको मेडिकल एडवाइस या डॉक्टर के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये बेसिक हाइजीन का ध्यान रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो समस्या होती है या हो रही है, इससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस हमें ज़रूरत होता है कि हम सचेत होकर अपना ध्यान रखें। और तो दोस्तों इसीलिए मैं कहती हूँ प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, रोकथाम इलाज से बेहतर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एयरबॉर्न इन्फेक्शन से किस तरह अपना बचाव कर सकते हैं, आप लोगों ने इस इन्फॉर्मेशन को पसंद किया है, तो क्या करना है, वीडियो को मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर करना है अपने दूसरे फ्रेंड्स फैमिली सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठाए। वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाते रहे। दोस्तों अगर आप लोग मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं अपने किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए, तो दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं, मेरे ऑफिस से आप लोगों को अपॉइंटमेंट की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्टली फोन पे मेरे से बात करना चाहते हैं तो ऐप के माध्यम से आप फोन पे भी मेरे से बात कर सकते हैं, आप लोगों को सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।